नमस्कार, मैं श्वेता आपका ओली न्यूज नेशन में स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। विकिलीक्स ने राहुल गांधी को अमेरिकी राजदूत टिमोथी रोमर से हुई बातचीत का एक ब्यौरा दिया। राहुल गांधी को जो बात सार्वजनिक हुई उसने देश के 100 करोड़ हिंदुओं के बारे में राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी की सोच को सबके सामने ला दिया। राहुल ने अमेरिकी राजदूत से कहा था, भारत विरोधी मुस्लिम आतंकवादियों और वामपंथी आतंकवादियों से बड़ा खतरा देश के हिंदुओं को है। जाहिर तौर पर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी हिंदुओं को कटघरे में खड़ा करने का कोई मौका नहीं चूकती है। अमेरिकी राजदूत के सामने दिया गया उसके ये बयान कांग्रेस के बुनियादी सोच को ही दर्शाता है। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। दोस्तों, आपको लगता है कि हम देश हित का काम कर रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि हमें गूगल पे या पेटीएम के माध्यम से आर्थिक मदद करें। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। राहुल गांधी और टिमोथी रोमर की बातचीत के मायने निकालें तो ये साफ होगा कि राहुल गांधी अमेरिका से हिंदुओं के खिलाफ मदद मांग रहे थे। वे हिंदुओं को एक आतंकी समुदाय की तरह दुनिया की नजरों में स्थापित करना चाह रहे थे। मतलब ये है कि जिस तरह से पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ अमेरिकी ड्रोन हमले करवाता है, उसी तरह भारत में भी हिंदुओं पर ड्रोन हमले करवाना चाहती है। संघ प्रमुख मोहन भागवत को लेकर हुई एक बहुत बड़ी साजिश से भी पर्दा हट गया है। एक न्यूज चैनल ने खुलासा किया है कि कांग्रेस भागवत को हिंदू आतंकवाद के जाल में फंसाना चाहती थी। दरअसल यूपीए सरकार ने अजमेर और मालेगांव ब्लास्ट के बाद हिंदू आतंकवाद थ्योरी पेश की थी। इस दौरान इस कांग्रेस ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी पर दबाव बनाया था ताकि मोहन भागवत को एक रणनीति के तहत फंसाया जा सके। कहा जा रहा है कि तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे भी इस रणनीति में शामिल थे और भागवत को पूछताछ के लिए हिरासत में लेना चाहते थे। दरअसल समझौता ब्लास्ट में आरोपी स्वामी असीमानंद के इंटरव्यू के आधार पर भागवत को आतंकी हमलों का प्रमुख प्रेरक बताया गया था। इसी के आधार पर कांग्रेस ने जांच एजेंसियों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। कांग्रेस नेतृत्व में यूपीए की सरकार चाहती थी और भागवत से जुड़ी टेप की फॉरेंसिक जांच हो, लेकिन जांच एजेंसी के प्रमुख शरद यादव ने साथ नहीं दिया, जिसके बाद एनआईए ने इस मामले से किनारा कर फाइल बंद कर दी। दरअसल राष्ट्रवाद संघ की सबसे बड़ी ताकत रही और आतंकवाद से जुड़ाव का यह आरोप संघ की इसी विशेषता पर हमला करने की कुत्सित कोशिश की। 26/11 मुंबई हमले के बाद भी कांग्रेस ने मुस्लिम आतंकवादियों के कुकृत को छिपाने और हिंदुओं को फंसाने का षड्यंत्र किया था। कहा जा रहा है कि तत्कालीन यूपीए सरकार ने इस बात का खाका तैयार किया था कि इस साजिश में कैसे हिंदुओं को फंसाया जाए। मुंबई हमले के बाद कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने इसके पीछे हिंदू संगठनों की साजिश का दावा किया था। दिग्विजय के इस बयान का पाकिस्तान ने खूब इस्तेमाल किया और आज भी जब इस हमले का जिक्र होता है तो पाकिस्तानी सरकार दिग्विजय के हमले से यही साबित करती है कि हमले के पीछे आरएएस का हाथ है। अगर अजमल कसाब को जिंदा ना पकड़ा गया होता तो आज तक सैकड़ों हिंदू जेल में बंद किए जा चुके होते। हाल ही में खुलासा हुआ है कि 18 फरवरी 2007 को समझौता एक्सप्रेस में ब्लास्ट में पाकिस्तानी मुसलमानों को किस तरह से बचाया गया और हिंदुओं को फंसाया गया। दरअसल समझौता ब्लास्ट केस के बहाने हिंदू आतंकवाद नाम का शब्द गड़ा गया। हालांकि इस केस में पाकिस्तानी आतंकवादी पकड़ा गया था, उसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया था, लेकिन महज 14 दिन में उसे चुपचाप छोड़ दिया गया। इसके बाद इस केस में स्वामी असीमानंद को फंसाया गया ताकि भगवा आतंकवाद या हिंदू आतंकवाद को अमली जामा पहनाया जा सके। बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तानी आतंकवादी को छोड़ने का आदेश देने वाले कौन थे? किसने पाकिस्तानी आतंकवादी को छोड़ने के लिए कहा? वो कौन है जिसके दिमाग में भगवा आतंकवाद का खतरनाक आइडिया आया? 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में हुए धमाके में 7 लोगों की मौत हुई थी और 101 लोग घायल हो गए थे। महाराष्ट्र एटीएस ने अपनी जांच में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर सहित 11 लोगों को गिरफ्तार किया था। राज्य एटीएस ने इस मामले में 12 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। बाद में जांच एनआईए को दे दी गई। अब सबूत सामने आ रहे हैं कि कांग्रेस ने साध्वी प्रज्ञा को फंसाया और उन्हीं के माथे देश दुनिया के हिंदू आतंकवाद का नई परिभाषा घड़ी गई थी। 16 मई 2016 को 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी बहस सामान्य थी, पर ट्रिपल तलाक और हलाला मुस्लिम महिलाओं के लिए कितना
अमानवीय है, लेकिन सुनवाई के दौरान कांग्रेस नेता और AIMPLV के वकील कपिल सिब्बल ने तीन तलाक और हलाला की तुलना राम के अयोध्या के जन्म से कर डाली। कपिल सिब्बल ने दलील दी थी कि जिस तरह से राम हिंदुओं के लिए आस्था का सवाल है, उसी तरह तीन तलाक मुसलमानों की आस्था का मसला है। साफ है कि भगवान राम की तुलना तीन तलाक और हलाला जैसी घटिया परंपराओं से करना कांग्रेस और उसके नेतृत्व की हिंदुओं के प्रति उसकी सोच है और उसकी सोच को दर्शाता है। 11 अक्टूबर 2007 अजमेर में हुए बम धमाके में 3 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 17 से अधिक लोग घायल हो गए थे। 2011 में इस केस में NIA को सौंप दिया गया। उसके बाद NIA ने आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसमें असीमानंद को मास्टरमाइंड बताया गया था और RSS के इंद्रेश कुमार सहित 8 लोगों को आरोपी बनाया गया था। लेकिन 8 मार्च 2017 को NIA के स्पेशल कोर्ट ने अजमेर दरगाह ब्लास्ट मामले में RSS नेता इंद्रेश कुमार और स्वामी असीमानंद को बरी कर दिया। जाहिर तौर पर हिंदू आतंकवाद के नाम पर यह कांग्रेस की साजिश का ही हिस्सा है। आजादी के बाद यह तय था कि वंदे मातरम राष्ट्रगान होगा, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने इसका विरोध किया और कहा कि वंदे मातरम से मुसलमानों के दिल को ठेस पहुंचेगी, जबकि इससे पहले तक तमाम मुस्लिम नेता वंदे मातरम गाते थे। नेहरू ने यह रुख लेकर मुस्लिम कट्टरपंथियों को शह दे दी, जिसका नतीजा देश आज भी भुगत रहा है। आज तो स्थिति यह है कि वंदे मातरम को जगह जगह अपमानित करने की कोशिश होती है। जहां भी इसका गायन होता है, कट्टरपंथी मुसलमान बड़ी शान से बायकॉट करते हैं। हिंदुओं के सबसे अहम मंदिरों में से एक सोमनाथ मंदिर को दोबारा बनाने का जवाहरलाल नेहरू ने विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि सरकारी खजाने का पैसा मंदिरों पर खर्च नहीं होना चाहिए। ऐसे में नेहरू को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदू शब्द पर आपत्ति थी। वे चाहते थे कि इसे हटा दिया जाए। इसके लिए उन्होंने महामना मनमोहन मालवीय पर दबाव भी बनाया था, जबकि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम पर दोनों को ही कोई एतराज नहीं था। आपसे अनुरोध है कि देश हित में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, हमें अपनी राय जरूर दें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें UPI नंबर 9911955719 पर सहायता राशि देकर हमें प्रोत्साहित करें। वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ओनली न्यूज़ नेशन।